हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेलनेट। डेलनेट यानी कि डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। दोस्तों, आज हम डेलनेट के बारे में पढ़ेंगे कि डेलनेट क्या होता है और इससे को रिलेट करके हमारे एग्ज़ाम में यानी कि यूजीसी नेट में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। डेलनेट यानी कि डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, 1988 में। और ये किसकी सहायता से की गई थी? फाइनेंशियल सपोर्ट इसके लिए किया था निषाद, जो निषाद के फाइनेंशियल सपोर्ट से ही इसका स्थापना किया गया था। और डेलनेट जो है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क यानी कि डेलनेट का जो मुख्य काम है वो क्या है, है कि दिल्ली से रिलेटेड जितने भी लाइब्रेरी हैं उनको क्या करना, एक साथ जोड़ करके रखना। और पहले ये दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था और अब तो इसका नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया है, यानी कि यह अब इंटरनेशनल नेटवर्क बन गया है जिसमें इंडिया के लगभग 235 इसमें लाइब्रेरी हैं और अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइब्रेरी की संख्या 235 है और अदर कंट्री की इसमें 8 हैं। और आगे हम बात करें कि ये क्या करता है, तो इट वर्क, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इट वर्क फॉर दिल्ली बेस्ड लाइब्रेरी, दिल्ली पे बेस्ड लाइब्रेरी के लिए काम करता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, सिलेक्शन, स्टोरेज और डिसेमिनेट करने का काम है इसका, यानी कि एक तरह से डाटाबेस क्रिएट करने का काम है और लोगों में इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डिसेमिनेट करने का काम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो टू प्रोमोट साइंटिफिक रिसर्च, ये किसको प्रोमोट करता है, साइंटिफिक रिसर्च को प्रोमोट करता है। नेक्स्ट है टू ऑफर टेक्निकल गाइडेंस टू द मेंबर लाइब्रेरी एंड कलेक्टिंग, स्टोरिंग, शेयरिंग एंड डिसेमिनेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसका कलेक्शन, सेलेक्शन और डिसेमिनेट करने का वर्क भी करता है। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है इसके, इस फंक्शन पे बात करते हैं। तो फंक्शन है डाटाबेस क्रिएशन, जैसा कि मैंने बताया डाटाबेस का क्रिएशन करता है, इंफॉर्मेशन को का अच्छे से उसका कलेक्शन, सिलेक्शन, स्टोरेज एंड डिसेमिनेट करने का काम करता है। फैसिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्डाइजेशन, समय समय पर यह CCF के द्वारा इंफॉर्मेशन को क्या इंटरचेंज करने का काम करता है, CCF यानी कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट के हेल्प से यह स्टैंडर्डाइजेशन का काम करता है। और इसके कुछ फंक्शन है जैसे कि इंटर लाइब्रेरी लोन, इंटर लाइब्रेरी लोन में यानी कि इससे जितने भी रिलेटेड लाइब्रेरी हैं उसमें जो भी बुक्स या स्टडी मटेरियल जो भी होते हैं उनको एक्सचेंज करने का ये काम करता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग प्रोग्राम। डेलनेट क्या है, समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है ताकि लोग इससे जुड़ सकें और ट्रेनिंग ले सके, जो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में जान सके। तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डेलनेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा इस चैनल कैसा लग रहा है, मेरे द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन कैसा लग रहा है, इसके बारे में हमें बताएं और कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।